औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती हैं कहीं दीनारों में, बिकती हैं कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती हैं अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये लाइनें हैं 1958 में आई फिल्म साधना के गाने की। गाने की इन लाइनों से पता चल रहा है कि ये फिल्म वैश्यावृत्ति पर बेस्ड थी। आखिर क्यों इस फिल्म को देखने के लिए महिलाएं बुर्का पहन कर जाती थीं और खूब रोया करती थीं? इसी से जुड़ा एक किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। बात 1957 के टाइम की है, जब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा वैश्यावृत्ति पर फिल्म बना रहे थे। जैसे ही बी.आर. चोपड़ा ने अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट की, बॉलीवुड के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भड़क गए थे। सभी ने बी.आर. चोपड़ा को ये फिल्म न बनाने की हिदायत दी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बी.आर. चोपड़ा से कहा था कि ऐसी फिल्म बनाओगे तो तुम तो बर्बाद होगे ही, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये फिल्म मत बनाना, बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप साबित होगी। बाद में एक डिस्ट्रीब्यूटर बी.आर. चोपड़ा के पास आया था और उन्होंने डायरेक्टर से कहा था, तुम्हें याद है सालों पहले एक फिल्म बनी थी नर्तकी, जो कि फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद वाड़िया नाम के एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी राज नर्तकी, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं उन दिनों अपने टाइम की मशहूर एक्ट्रेस जुबैदा को लेकर भी वैश्यावृत्ति पर बेस्ड एक फिल्म बनाई गई थी, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई थी। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, चार चार फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद भी तुम वेश्यावृत्ति पर फिल्म बना रहे हो। तब इस डिस्ट्रीब्यूटर का जवाब देते हुए बी.आर. चोपड़ा ने कहा था कि जब पहली फिल्म बनाई थी तब ये नहीं सोचा था कि हिट होगी या फ्लॉप। मेरा मन है कि मैं ये फिल्म साधना बनाऊं। वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहने पर वो आपको जरूर हासिल होती है। ऐसा ही कुछ बी.आर. चोपड़ा के साथ भी हुआ। उन्होंने ये फिल्म बनाई और ये 1958 में रिलीज हुई। फिल्म में सुनील दत्त और वैजंती माला लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही थी। एक दिन मराठा मंदिर में इस फिल्म को देखने खुद बी.आर. चोपड़ा पहुंच गए। इंटरवल के बाद उन्होंने देखा कि कई महिलाएं फिल्म देखकर फूट फूट कर रो रही थी। बाद में बी.आर. चोपड़ा एक बार फिर से इस फिल्म को देखने मराठा मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि बुर्के में कई महिलाएं इस फिल्म को देखने पहुंच रही थी। बुर्के में आई कई महिलाएं इस फिल्म को देखने के बाद खूब रो रही थी। फिल्म के साथ साथ इसका एक गाना भी था, जिसे सुनकर भी महिलाएं खूब रोया करती थी। बी.आर. चोपड़ा की इस फिल्म का म्यूजिक दत्ता नायक ने दिया था और इस फिल्म के गाने मशहूर लिरिक्स राइटर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। जब बी.आर. चोपड़ा ये फिल्म बना रहे थे, तब उन्होंने इसके बारे में साहिर लुधियानवी को बताया था। फिल्म की कहानी सुनने के बाद साहिर लुधियानवी ने उनसे कहा था कि मेरे पास एक गाना लिखा हुआ है, तुम इसे अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लो। साहिर की इस बात को मानते हुए बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म में ये गाना डाल दिया। इस गाने के बोल थे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। फिल्म में ये गाना लता मंगेशकर ने गाया। इस फिल्म के साथ साथ इसके गानों को सुनकर भी महिलाएं खूब रोया करती थी। बी.आर. चोपड़ा की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और मराठा मंदिर में ये 25 हफ्तों तक लगी रही थी। तो ये था बी.आर. चोपड़ा की फिल्म साधना से जुड़ा वो किस्सा, जो आज भी काफी सुर्खियों में है।